तो दोस्तों हम जा रहे हैं पम्माना और सांचौर से रवाना हो गए हैं। यहाँ से करीबन घंटे का रास्ता है, पौना घंटा घंटा का रास्ता यहाँ से है और हम लोग अभी जा रहे हैं पम्माना, और पम्माना से एक जगह और भी जाना है तो वहाँ जाएंगे और फिर घर की तरफ रिटर्न आएंगे। तो देखते हैं कब तक, थोड़ा मोबाइल का बैटरी भी डिचार्ज है तो ये व्लॉग पमाना तक हो जाए तो और अच्छी बात है। और आगे क्या नज़ारे मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे पूरे राजस्थान में एकदम रोड थोड़ा सही नहीं है ये, और कहीं कहीं अच्छा भी रोड है। और अभी एक भारतमाला प्रोजेक्ट का भी काम चल रहा है बहुत ही तेज़ी से, तो वो भी बन के तैयार होगा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एक्सप्रेसवे है तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं तो बाद में आगे मिलते हैं। दोस्तों आज हम आ चुके हैं पम्माना, मामा जी का यहाँ पे मंदिर है तो वहाँ पे अभी हम लोग हैं, और मैं हूँ और मेरे साथ मेरे फ्रेंड है गणेश। तो हम लोग आए हैं दर्शन के लिए, और यहाँ पे बताता हूँ कि कितना एकदम अच्छा मंदिर बनाया गया है। और माना जाता है कि यहाँ पे जो भी आप मन्नत मांगते हो वो ज़रूर पूरी होती है, ये मामा जी का आशीर्वाद है। तो बहुत ही अच्छा मंदिर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पूरा ये व्लॉग शूट करके। ओके, तो बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो ये है घड़ा, देखो घड़े को कटिंग करके यहाँ पे पानी बांधा गया है, और ये है मंदिर आप देख सकते हो। और यहाँ पे देखो घंटी भी लगी है लगातार, बहुत ही बेहतरीन मंदिर है, गांव का मंदिर है, एकदम गांव है ये पम्माना गांव। आप सर्च कर सकते हो मैप पे, और आपको दर्शन करना है तो यहाँ पे आ सकते हो। और यहाँ पे व्यवस्था की गई है रहने के लिए, और यहाँ पे सब लोग आते हैं दर्शन के लिए। यहाँ पे ये कबूतर का चबूतरा बनाया गया है, ये भी बहुत ही अच्छा है। और पूरा यहाँ पे नीम का पेड़ है, एकदम शांत वातावरण है। तो दोस्तों अभी हम लोग ने दर्शन कर लिए और हम जा रहे हैं अभी रिटर्न घर की तरफ। और अगर आप भी मामा जी के भक्त हो तो एक बार कमेंट में जय मामा जी ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।